ये दोनों थी, बताओ किसने पिए, क्या सही है? दादा भाई सच बता दे क्या है, झूठ मत बोल, मत बोल झूठ। अलीसा तू बता कहाँ सही है? घर पे है नहीं, जावत घर पे, जावत घर पे ऐसे नीचे मुंह करके बैठी, ये कुछ नहीं बता रहे भाई, ये तो भैया अल्लाह का सब। इस घर में हो रहा है बहुत अंधेरा क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं ही पी रही हूँ लिप्टन की ग्रीन टी, और अभी पी कर फिर मैं जाती हूँ सोने। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में। The next morning. ऑफिस के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अम्मी से पूछते हैं खाने में आज क्या बना है। तो अम्मी खाने में क्या बनाया आज? खाने में बनाया है घी की सब्जी। मैं तो खाती भी नहीं हूँ घिया, घिया पैक कर दिया उन्होंने, मना कर दिया घिया मत पैक करा करो मेरे लिए। ओ, इतना छोटा सा घिया इतना प्यारा लग रहा था, मैंने उसको छील के अरे इतनी बढ़िया करके बगैर पानी के बने सारे खड़े मसाले डाल के, इतना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर तुम अपनी बड़ी से बना देते हो घिया पिया, भाई खाना चाहिए सब्जी भी तो घर में खानी चाहिए बेटा। चलो कोई बात नहीं, पैक कर दिया तुमने, खाना है बढ़िया खाना है, गोश्त मीट मछली छोड़ के ये सब्जियाँ भी खानी चाहिए। चलो ठीक है पैक कर दो, क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी ऑफिस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जा चुका है हमारा आरिस, किसकी गोद में बैठे हुए हो? नानी की। तो हाय यूट्यूब फैमिली को हाय कर दो। हाय यूट्यूब फैमिली, बोलो हाय, बोल सही से बोलो हाय यूट्यूब फैमिली, सलाम कर लो सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हैं क्या कह रहा है? मैं भी जाऊंगा। मैं जा रही हूँ। Few moments later. तो चाय भी हमारी आ चुकी है। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे आप सब लोगों को, आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे, काफी अच्छे। तो फ्रेंड्स अम्मा की दुनिया में सबका स्वागत है। तो ऑफिस के लिए मैं आ चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, बोलने वाली थी ऑफिस में मैं आ चुकी हूँ, और चाय मट्ठी भी आ चुकी है, मट्ठी नहीं सॉरी चाय कलम बिस्किट आ चुके हैं हमारे, चाय और बिस्किट। तो भाई चाय कहाँ है? ये रही पूजा की भी चाय, तो अभी हम पीते हैं चाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 5 hours later. हमारा आ चुका है खाने में बने आज मटर कीमा और आलू। आलू उड़ते हैं हमारे। तो खाएं, स्टार्ट करें खाना। तो स्टार्ट करते हैं अपना खाना बिस्मिल्लाह करके। 2 hours later. यार आजकल तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत सर में दर्द हो रहा है, क्वेश्चन ही ऐसे देती है, हार्ड तो दिमाग से निकल जाते हैं सारे इंजीनियर। यार कैसे पास हो गए थे? चल बाय बाय मिलते हैं। चल ठीक है। अरे इधर एटी बंद है मेरा, तो चल आ जा, मेरी मम्मी नहीं है जेड वैसे भी चल नहीं है, तेरे साथ भी चल जाएगा, चाबी निकाल ले। कोई है नहीं क्या? मम्मी होंगी इसलिए चल तू अंदर बैठ, चल मैं अंदर जा रही हूं। दिमाग खराब हो गया तो पढ़ पढ़ के ना उसने बुढ़िया ने जान ले लिया आज तो मेरी। नहीं यार बहुत मतलब पता नहीं कैसे किया, मुझे तो समझ नहीं। एग्जाम भी आने वाला है यार, चल छोड़ इसको छोड़ यार, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ये तो। हाँ चल, मेरी मम्मी कहाँ गई पता नहीं, कहाँ चली गई बताई नहीं मेरे को उन्होंने तो। और बता यार कुछ नहीं, मुझे तो एग्जाम की टेंशन हो रही है, तो घर वालों के मार्क्स नहीं होते फिर टेंशन में जी, क्या टेंशन ले रही है यार, थोड़ा क्या टेंशन लेना, जब तक टेंशन दूर करने के लिए पास एक इलाज है। क्या बताओ, ले खुश हो जाएगी, तेरा मूड बन जाएगा। ये देख, ये तू कहाँ से लाई भाई? ये दुकान से लाई हूँ, आजकल देखा नहीं बाहर कितनी लड़कियाँ पीती है, इससे पता है क्या होता है, स्ट्रेस दूर होता है, उसको पीना चाहिए। तू पीती है? हाँ कभी कभी पी लेती हूँ छुप छुप के अम्मी से, अब क्या घर वालों को बताओगी तो बड़ा ड्रामा कर देते हैं। चल वहाँ बैठ के जला, दिमाग अरे अरे देख 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 कितना अच्छा काम है, कटोरी भी मिल गई। Thank you.
अंदर लेके बाहर निकल, सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा तेरा। यूं लिया, यूं हाथ में लिया, यूं करके यूं धुआं निकाल निकालते ऐसे, ले ट्राई कर। आई नहीं है, देखती हूँ जाकर क्या है, पता नहीं आज कहाँ रह गई। अनीशा तुम कैसे साइमा? अरे हमारे घर में ताला लगा था ना, तो मैं एक बार आके बैठ। अच्छा, धुआं सा कैसे हो रहा है कमरे के अंदर? कैसा धुआं है? मोटिंग चल रही थी क्या? नहीं कुछ नहीं लग रहा, धुआं हो रहा है कमरे के अंदर सारा। अरे आंटी लग रहा है तुम, ऐसा धुआं मंगाया। ये क्या है, ये कौन पी रहा था? हमें क्या पता कौन पी रहा था, फिर ये किसने पी ऐसी? पता नहीं कहाँ से आ गई है, है? कोई हो गया पी रहा होगा, पी रहा था। हाँ तुम दोनों के ही कौन था यहाँ? अरे आंटी हम सिगरेट पीएंगे क्या, वैसे लगते हैं आपको? तो फिर सिगरेट कहाँ से आई? अभी तो जब मैं गई तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जब हम आए थे यही रखी हुई थी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी होंगी शायद, आ गई होंगी, देख लो। पिएगा बेटा फिर ऐसा लग रहा है बेटा, किसने पिए सिगरेट ये तो बताओ, किसने क्या कराया क्या नहीं है? जब हम आए थे यही रखी हुई थी। नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने कुछ ऐसा क्या चीज है क्या कराया? नहीं मैंने, नहीं उससे तो लग रहा है कि जैसे ही तूने ही पिए सिगरेट। नहीं मैंने नहीं पी। तो फिर नहीं मुझे तो मालूम देता बेटा, बता क्या बात है क्या बात नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं है बेटा, ये तो बताना पड़ेगा ना क्या है क्या नहीं है। ये तो बहुत गलत चीज हुई है ना आज हमारे घर में, ये क्या हुआ है, है? तुमने पिए क्या? नहीं आंटी हम क्यों पियेंगे सिगरेट, हमने नहीं पी है। तो बेटा ये आई कहाँ से यहाँ पर? पता नहीं मुझे नहीं पता। तो बेटा मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाती हूँ फिर। भाई अनिशा तेरे पापा तो है नहीं, अब बता क्या करना है क्या नहीं करना है, तेरे पापा होते तो फिर क्या करते अभी? मैं तो इसकी मम्मी को बुला कर लाती हूँ, मैं तो इसकी मम्मी के सामने पूछूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भाई, देखती हूँ मैं तो इसकी मम्मी को बुला करने के लिए बुला कर लाती हूँ जाके। बताओ ये इतनी उम्र में इनकी वो कोई वो है कौन? बाजी जरा खोलना। वालेकुम अस्सलाम, बाजी कहाँ है? मम्मी अंदर है, भेजना जरा इधर। मम्मी बुला रही हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा पता है तुम्हें आ गई या नहीं आ गई आज? साइमा? हाँ साइमा उसके साथ गई है, निशा के साथ बाहर गई थी दोनों। नहीं वो तो आ गई हमारे घर में, आ जरा आके देखो क्या हो रहा है। अरे खाना खा लिया तुम, आके देखो यहाँ हो क्या रहा है। देखो जरा साइमा को और अनिशा को देखो। हाँ मैं आ गई तो थी नहीं ना, उसके बाद आ गई थी। नहीं नहीं हम तो घर में ही थे, गेट पर खटखट आया था, मैंने किसी ने बोला नहीं तो तुम यहाँ पर आ गई थी। देखो क्या हो रहा है, मैं तो अंदर बैठी हुई थी। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या ये दोनों थी, बताओ किसने पिए क्या है? सिगरेट है ये, बताओ पूछो ये कौन है? ये दोनों के पास थी और धुआं हो रहा था, तो मैंने देखा है कि ये दोनों बैठी हुई थी, कह रही है हमने नहीं पी, वो कह रही है मैंने नहीं पी। अब बताओ अगर इसके पापा होते तो क्या होता आज? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाविया नहीं है वो तो, आज जैन नहीं है, सिगरेट पीते ना नहीं, और वो बच्चे होते तो बताओ उनके ऊपर क्या असर पड़ता है इन्हें देख के, इतने बड़े बड़े लड़कियों को देख के। सच बता दो तुमने कहाँ देखा, कैसे देखा तुमने? अरे बुरा, मैंने तो दूसरे कमरे में थी और धुआं धुआं हो रहा था। अब बताओ इस सारे उसमें तुम कहाँ थे, तुम घर में ही थी? मैं तो बाहर गई हुई थी। अच्छा हाँ मैं खुद बाहर से आई हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा शायद ये दोनों, ये अनिशा है नहीं, मैंने आके तो तुम तो घर आती थी, यहाँ पे आ गई, तुम आई थी खटखट आई थी, किसने की मैंने नहीं पी। भाई सच बता दे क्या है, झूठ मत बोल, मत बोल झूठ। अलीसा तू बता कहाँ से आई है? अरे बताऊं, मैंने ताला खोल के मैं अंदर आई, कोई भी नहीं था, और मैं तो ताला से बाहर से खुद ही आई हूँ। ये बताऊं जब मैं आई हूँ ना, तो इन दोनों के आगे सिक्योरिटी साइड पर रखी हुई थी, तो इनके अलावा तो इसके पापा तो पीते नहीं है,
और अनाबिया भी नहीं थी हमारे घर में, बच्ची वो तो पिएगी नहीं, छोटी सी बच्ची मेरी वो पिएगी। अब ये बताओ इन दोनों के आगे रखी हुई थी, तो ये इन दोनों में से तो किसी ने पी नहीं पी। ध्यान रखो थोड़ा, ध्यान दो, मैं कहती हूं से कि ध्यान दो थोड़ा। थोड़ा सा भाई ऐसा है, तुम्हें भरोसा करके अरे नहीं 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 मारो नहीं, भरोसा करके सुनो तो सही है, रुको तो सही, तुम ये छोड़ो तो सही। नहीं नहीं मारो नहीं, मारो नहीं, अरे मारने से कुछ नहीं होगा, मारो नहीं, एक हाथ तो लगना चाहिए ना, एक हाथ तो लगना। नहीं 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 मारो नहीं, मेरी बात सुनो कि ये जो है अगर मारने से कुछ होता, मारने से अगर कुछ होता है तो लड़कियों के साथ रह के कोई तो ये तो ऐसी थी भी नहीं, पीती भी नहीं थी। अरे अगर तुम मारोगी तो मारने से, एक बात सुनो मेरी, मारने से ऐसे सीख नहीं दे सकते हमें, नहीं सिखा सकते जो हम इन्हें प्यार से समझा सकते, ये इनके लिए गलत चीज है। इतना भरोसा हम इन्हें बाहर भेजते हैं, पढ़ाई के लिए जॉब के लिए जाती है अपनी, सब तरह के बच्चे मिलते हैं, तो तुम उन बच्चों की कोई गलत चीज है, कुएं में कूद जाओ तो ये कूद जाएंगे। मुझे तो एक बार डाउट हुआ भी है, एक दो दफा डाउट हुआ है, अभी मैंने कहा चलो अपना नजर के गलत बात है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखेंगे तो क्या सीख लेंगे। इसके पापा तो हानिकारक है, जावेद घर पे है नहीं, जावेद घर पे नहीं, मारने से कुछ नहीं होगा। ये देख ऐसे नीचे मुंह करके बैठी, ये कुछ नहीं बता रहे भाई, ये तो भैया अल्लाह का सबसे है, दोनों फ्रेंड हो, तुम दोनों साथ जाती हो, साथ आती हो, ये बताओ जी, सेहत के लिए भी हानिकारक है। हम तो दूसरों को समझाते हैं कि ये चीज नहीं लेनी चाहिए। अब भी बता दो, अब भी बता दो, अब भी सच बोल दो। हाँ, ये बोलोगे नहीं सच, ये बताओ तुम्हारी गलती है, तुम्हें मतलब किसने कोई लड़कियां हैं, किसने तुम्हें कहा ये पियो, किसने क्या कहा, ये बताओ ना, तुम खुल के बताओ हमें, अनिल मार मार के बुरा हाल कर दो। बता रही हूँ, बता बताएगी, चलो बताएगी, वो मारो नहीं, तुम छोड़ो तो सही। नहीं 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 मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, मार के नहीं, बताओ प्यार से ही बताएंगी। वो हमारे कोचिंग में लड़के पीती थी सिगरेट, तो बोलती थी इससे स्ट्रेस दूर होता है, तो इसलिए उनको देख देख कर हमने भी स्टार्ट कर दी थी। तुम्हें गाय का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस, तो थोड़ा वो भी था, फैशन वगैरह चल रहा था आजकल, तो हमने इसलिए ट्राई भी कर लिया था थोड़ा, बताओ कर दिया सिगरेट भी होगी, दूर करने के लिए सिगरेट, माँ बाप का भरोसा, अगर फ्रेंड कुएं में कूदोगी तुम भी कूद जाओगी, भरोसा समझाना चाहिए बल्कि उन्हें, गलत चीज है। तुम्हारे भाई ने कभी आज तक जिंदगी में सिगरेट नहीं पी, बताओ जी, रिश्तेदार कोई सुने तो क्या कहेगा जी, लड़की को पढ़ा रही है, कलेक्टर बनाएगी, वो बनाएगी, तो ये नाजायज फायदा पढ़ाई का विश्वास का, लड़की के ऊपर तो गलत पड़ेगा, इसके ऊपर से अगर पड़ेगा, वो कहेंगी कि लड़कियां हैं तो तुम अच्छी सी वो करोगे, नहीं भाई ये तो रोको, रोकने से लगाई उनके साथ आज लड़के पढ़ने के लिए जॉब करने के, उनके माँ बाप कहेंगे भाई लड़कियां तो बाहर जाके खराब होती हैं, तो फिर क्या होगा इसका, तो बातों में नहीं है, ये तो खराब बेटा ही, मैं वो पड़ेगी, मैं हमारी जिंदगी खराब करके रख दी, बताओ जी कितना इसमें भरोसा, हमारे बारे में मम्मी इतना सोचती हूँ, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, बताओ हर कुछ हर शौक पूरे चीज में इतनी आजादी, इतनी मैंने दोनों लड़कियों को नहीं दी, तेरे को आजादी दी है, मैं तो फोन मिला रही जावेद को, देख फोन कर रही जावेद को, मिलाई नहीं फोन मिला, आंटी देखो वो लगा कैमरा, भाई देखो, अरे भाई आंटी रोने लगा, उधर देखो रिएक्शन ले रहे थे, देखो वहाँ पर कैमरा, देखो उधर देखो, रोमत, अरे नहीं हम तो सीरियस हो गए थे, हमने सोचा तुम गलत रिएक्शन रिएक्शन ले रहे हो, हमारा रिएक्शन ना बहुत अच्छा है, और यही सारे माँ बाप की रिएक्शन आने चाहिए। हाँ बेटा हम तो आपको यही सिखाना चाहते थे, देखो हम तो एकदम डर गए थे, हमने सोचा तुमने ये गलत शायद उसमें चली गई, क्या चीज है क्या नहीं, नहीं हमने पी नहीं, हम आपका रिएक्शन लेना चाहते थे बस, और सभी माँ बाप के लिए रिएक्शन होना चाहिए। सही है बेटा, और यही वो होना चाहिए, बस ये रिएक्शन मतलब आपके रिएक्शन लेने के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी। मैं तो सच में यकीन कर लिया था, मैंने क्या बताओ जी बच्चे इस तरह से ये कर रहे हैं, यकीन कर लिया था। हाँ, लेकिन ये हमारे रिएक्शन देखो, आप लोग है ना सबके रिएक्शन लेना चाहते थे कि मतलब आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, बट ऐसा होता है कि कुछ फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों को देखकर भी इन चीजों को अवॉइड करते हैं कि नहीं वो छोड़ देते हैं उनके बच्चों को, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि जो सिगरेट का खुद का पैकेट होता है ना, मैं खाती हूँ आपको, खुद देखो इस पे खुद लिखा होता है तंबाकू कॉजेस पेनफुल दैट, मतलब बहुत अपने बच्चों पे। हाँ आंटी वो तो हमें पता है, आपका रिएक्शन लेना था, हम लोगों को ये भी बताना था कि इस पे खुद लिखा हुआ है कि इससे मर सकते हैं, और वो भी आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि सिगरेट पीने से
आपका क्या, आपके घर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी हार्मफुल होता है, क्योंकि जो सिगरेट की बात आंटी यही थी कि जैसे आप लोग के रिएक्शन आए, बस हम तो ये चाहते हैं कि जो दूसरे पेरेंट्स है ना वो भी अपने बच्चों पर ऐसे ध्यान दें, ऐसी रिएक्ट करें तो बच्चे हिला देंगे। हमें हिला दिया, हमें डरा दिया, बताओ जी तरह इधर कुछ नहीं था, हमने पी सिगरेट को हाथ लगा, भरोसा है हम अपने बच्चों पे, हमारे बच्चे ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन हर माँ बाप को अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को इस तरह से देखे तो उन्हें डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन हमने जो ना यही कि लेकिन भरोसा होता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को। तो इसी के साथ हम छोटी सी क्लिप दी हमने मोटिवेशन की कि आप देखें और इसे कुछ सीखें छोटी सी वीडियो से, होप आप सब समझ गए होंगे। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं पर, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे लेके जाइए, आगे लेके जाओ, ज्यादा से लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।